नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तन 24 न्यूज। बताना चाहूंगा कि वारदात इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जहां अपने घर में ही, अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही देखने को मिल पा रहा है कि महिला अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जहां बाहरी थाना के अंतर्गत एक महिला के केस पर उसके द्वारा कथन भी दिया जा रहा है, बयान दिया जा रहा है कि मेरे घर पर कुछ लोगों के द्वारा हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उसका कहना यह है कि हमारा जो जमीन है, जो हमारी जमीन है, भूमि जो है, जिसके पट्टेदार और काबिजदार हम खुद हैं, यानी कि उसके पति और उसके जो वो खुद भूमि स्वामी है, वहीं बीच में सरकारी जमीन है, जिसको लेकर के ये एक बड़ा मामला देखा जा रहा है कि उस जमीन के लिए अब लोगों ने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसके द्वारा खुद कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, देखा ये भी जा रहा है कि FIR भी दर्ज हो चुकी है। जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो मामला है, जो कि एक औरत के द्वारा ये मामला सामने आया है, जिसका नाम सावित्री गोस्वामी है, पता मूर्तिहां, ग्राम पंचायत देवरी। जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 40 साल की महिला है, पति लल्ले गोस्वामी नाम है, जहां उनके पति का जो उम्र है वो 53 साल है। उनके द्वारा जो बताया जा रहा है, विवाद जो है बताया जा रहा है, विश्वनाथ जदुनाथ गोस्वामी, बुद्धमान गोस्वामी, हिंचपति गोस्वामी और अंगद गोस्वामी। इतना ही नहीं, और भी हैं जो इनके साथ इनके ये मामले में शामिल हो रहे हैं, जहां की इनका एक अलग ही गुहार लगाने का अंदाज देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मैं कई बार थाने में जाकर के इस मामले को परिचित करवा चुकी हूं, लेकिन पुलिस या फिर तहसीलदार इस पर कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। क्या ये बात सही है या नहीं, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन जो ये मामला सामने आया है वो ऐसा ही है। अगर ऐसा मामला सामने अगर आ रहा है और ये सही है, तो हम ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो महिला खतरे में है और उसका परिवार भी खतरे में है, क्योंकि जमीन और भूमि को लेकर के देखा जाता है कि यहां पर आए दिन ऐसे मामले और मसले आते हैं जहां देखने को मिलता है कि एक दूसरे को इंसान गोली मार देते हैं। जहां आप लोगों को मालूम है, जर जोरू जमीन तीनों के लिए कोई भी इंसान किसी भी हद तक चला जाता है, जहां ये सारे मामले देखने को मिल पा रहे हैं, जो आप लोगों को इस बयान में भी देखने को मिलेगा। देखिए ये बयान, समस्या ये है सर कि जो हमारी जमीन है तो दूसरा कोई लेना चाहता है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, इतना हम कितना अदालत लड़े। ये जो केमला का लड़का है, ये हम के परेशान कर रहे हैं, हमारा घर उधर वाना चाह रहे हैं। और जो एक और हमारा मतलब पट्टे की जमीन है, तो वो कैर के लड़का जो है विश्वनाथ, तो हमें परेशान कर रहा है, हम बहुत परेशान हैं सर। और किस चीज़ जमीन के लिए सर, हमें गली भी छीना जाता है कि हम जमीन छोड़ दें तब हमें रास्ता वो लोग देंगे, रास्ता के लिए भी परेशान कर रहे हैं। किसकी जमीन है वो? वो जमीन है लल्ले पिता बद्री गोस्वामी। उन लोग क्यों छीन रहे हैं आपको? हाँ, वही लोग हमें छीन रहे हैं। वो आपकी जमीन नहीं है? 2018 में जमीन हमारी नपी है सर, बेदखली भी चल रही है, बेदखली वो लोग हमारा रोक करके अब बोलते हैं प्लाट गलत है। प्लाट कहाँ से गलत है सर, उनका खुद की जमीन है, हमारी जमीन अलग से है, वो हमारा भी लेना चाहते हैं और वो अपनी भी जमीन लेना चाहते हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है विश्वनाथ, विश्वनाथ गोस्वामी। कहाँ के हैं? मूर्तिहां के हैं सर। धन्यवाद, अभी तक आप देख रहे थे तन 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, नमस्कार, जय हिंद।